तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विड्रॉल का कूपन को कैसे हम लोग स्कैन करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा आपसे, तो अपने लैंग्वेज को चूज करेंगे, हिंदी है या इंग्लिश। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक तो आप मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास अकाउंट नहीं है, तो हम लोग पहले न्यू अकाउंट को बनाएंगे। न्यू अकाउंट बनाने के लिए नीचे रेड कलर में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, न्यू टू दोस्ती पे क्लिक करेंगे। यानी यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, एक रिटेलर और एक मैकेनिक। तो हम लोग अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे, मेरे हिसाब से मैं मैकेनिक को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कुछ आपको कंडीशन दिख जाएगी, इसको मन हो तो पढ़ेंगे और नीचे एग्री पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस पे एक आपको ओटीपी आएगी। मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यदि ओटीपी नहीं आती है तो रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यानी ये रहा, आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स देना होगा। नीचे आपको सबसे पहले आपको निक नेम देना होगा, फिर पेन नंबर डालना होगा, देन आपको जो पेन पर आपका नाम होगा उस नाम को डालेंगे, गैरेज का एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, स्टेट डालेंगे, सिटी डालेंगे, रीजन डालेंगे और नीचे व्हीकल टाइप को चूज कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ, फॉर एग्जांपल टू व्हीलर, एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही आप पिन नंबर डालिएगा, पिन के हिसाब से ऑटोमेटिक आपका नाम फिल हो जाएगा, और नीचे जैसे ही आप पिन कोड डालिएगा तो वहाँ से पूरा डिटेल्स आपको ले लिया जाएगा, जैसे कि स्टेट, टाउन, सिटी वगैरह, रीजन वगैरह सारा वहाँ से ले लिया जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, और ये इन्फॉर्मेशन डाल लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको आपको अकाउंट का पूरा डिटेल्स डालना होगा, इसी में आपका पैसा आएगा। अकाउंट डिटेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं डालना, ऊपर बेनिफिशियरी का नेम आपको दिख जाएगा, आईएफएससी कोड डालेंगे, बैंक का नेम डालेंगे, ब्रांच नेम डालेंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को कन्फर्म करेंगे और नीचे एग्री करके सबमिट करेंगे। ये सारा डिटेल्स को अच्छा तरीके से फिल कर लेना है। नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, अकाउंट नंबर मैचिंग। यदि आपका अकाउंट नंबर मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट नंबर मैच नहीं किया। ऊपर जो आप नंबर डालिएगा वही नंबर आपको नीचे डालना है अपने पासबुक पे, देख देन इसको एग्री करेंगे, देन सबमिट। देख सकते हैं सक्सेसफुली हम लोग साइन इन हो चुके हैं। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि वॉलेट बैलेंस, आपके पास कितना भी बैलेंस अवेलेबल है वो ऊपर दिख जाएगा, और नीचे कितना आप ट्रांसफर कर चुके हैं वो नीचे दिख जाएगा। चलिए अब हम लोग कूपन स्कैन कर देखते हैं। स्कैन पे क्लिक करेंगे, नीचे जो रेड कलर में दिया हुआ है, और कूपन को सामने रखेंगे और इसको स्कैन करेंगे। ये रहा स्कैन हो चुका है, जितने रुपये का कूपन होगा यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। यदि और भी कूपन को स्कैन करना हो तो स्कैन अगेन पे क्लिक करेंगे, वरना क्लोज करेंगे, यहाँ पे आपको बैलेंस दिख जाएगा। चलिए हम लोग अब जानते हैं यह पैसा जो है वह खाते में कैसे जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको हेल्प पे क्लिक करना होगा। हेल्प में जाने के बाद FAQ जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में पेमेंट्स में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 दिनों के समय लगेगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। सो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हम लोग अकाउंट बनाते हैं और कूपन को स्कैन करते हैं और पैसा को ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो। यदि अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।